हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में उसके डेफिनेशन फ़ीचर्स और टाइप के बारे में तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं इट कैन बी डिफ़ाइन एज द फ्रेमवर्क विथ इन विच द मैनेजरियल एंड द ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म मतलब ये एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है जिसमें मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गनाइजेशनल तो स्ट्रक्चर को सही से समझने के लिए एग्जाम्पल समझाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है जैसे एक सीनियर लेवल पे कंपनी का ओनर है और उसने अपने अंडर में तीन जनरल मैनेजर रखे हैं ठीक है अब तीन जनरल मैनेजर को अलग अलग ड्यूटीज असाइन कर दी गई है एक को सेल्स का एक को परचेज का एक को प्रोडक्शन का ठीक है और फिर उनके अंदर में पांच पांच एग्जीक्यूटिव रख दिए गए हैं तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि ऑर्गेनाइजेशन में किस किस लेवल पे कौन कौन बैठा हुआ है किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग हो रही है तो इसीलिए बोलते हैं ये एक फ्रेमवर्क होता है मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म मतलब कैसे टास्क को परफॉर्म किया जाए कैसे लोगों को कौन सबसे हेड में बनेगा उसके अंडर में कौन बनेगा मतलब स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम हो सके वर्किंग अच्छे से चल सके इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ठीक है तो इसका डेफिनेशन यही है इट कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विथ इन द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म मैनेजरियल टास्क और ऑपरेटिंग टास्क दोनों परफॉर्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजरियल स्ट्रक्चर क्लियर है नेक्स्ट uh, आते हैं दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजन स्ट्रक्चर तो फंक्शनल और डिविजन स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे इसका एक हमने वीडियो बनाया हुआ है फंक्शनल डिविजन का डिफरेंस दोनों का तो उसको अगर आप पहले देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तो समझने में आपको ईजी रहेगा फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर को तो देखते हैं फीचर्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन दैट ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड जॉब टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन लाइक प्रोडक्शन एंड फाइनेंस तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर हमारे जॉब बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं ज़्यादातर जॉब जो होते हैं वो सिमिलर नेचर के होते हैं जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई कंपनी है आयरन एंड स्टील की तो आयरन निकाल रहे हैं उसी में से स्टील बना दे रहे हैं तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर का तो इसमें क्या होता है जो तो जॉब होता है वो रिलेटेड मतलब आपस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता ठीक है दोनों जॉब में तो सारे जॉब एक जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ठीक है ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है लेकिन जॉब जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता जब बहुत ज़्यादा वराइटीज़ नहीं होते वरायटी वर्ड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा कि प्रोडक्ट की बहुत वराइटी नहीं होती है एक या दो वराइटी प्रोडक्ट में डील करते हैं एज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन इस डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय द फंक्शनल मैनेजर एंड हु रिस्पॉन्सिबिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड हैज़ द अथॉरिटी ओवर द डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उसके एक डिपार्टमेंटल हेड होते हैं और उनके पास सारी अथॉरिटी होती है डिसीजन को लेने के लिए दूसरा ऑल डिपार्टमेंट आर अंडर द चार्ज ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग हेड एक कोऑर्डिनेटिंग हेड होता है सारा डिपार्टमेंट जो होता है ज़्यादा डिपार्टमेंट तो होते नहीं है लेकिन जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो उसके चार्ज में होता है कोऑर्डिनेटिंग हेड जो होता है उससे सब लोग बात करके तब कोऑर्डिनेट करते हैं नेक्स्ट आते हैं दीस डिपार्टमेंट में बी फर्दर डिवाइडेड इंटू सेक्शन अब इस डिपार्टमेंट को चाहें तो हम छोटे सेक्शंस में बांट सकते हैं ठीक है तो अब जैसे कि मान लीजिए अब आयरन निकल रहा है तो आयरन को अब उसको पिघलाना है फिर उसके बाद उसको एक शेप देना है तो उस कंडीशन पे उसको अलग अलग स्ट्रक्चर पे आप डिवाइड कर सकते हैं लेकिन ये कहिए कि आप शुरू से आप इस पर कोई वैरायटी तो बता नहीं रहे आप एक ही फंक्शन को अलग अलग आ, फ्रेमवर्क से बाहर निकाल रहे मतलब पहले ये काम हो रहा है फिर उसको और बेटर करने के लिए दूसरे जगह डाल रहे हैं फिर उसको तीसरे जगह डाल रहे हैं तो नया प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है एक ही चीज़ आप बनाने में वो जो एफर्ट लगा रहे हैं उसका अलग अलग डिवीजन बना सकते हैं तो उसको ज़्यादा ध्यान से समझिए ठीक है अब आते हैं डिवीजनल स्ट्रक्चर डिवीजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है यहाँ पे वराइटीज ऑफ गुड्स होते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का जैसे यहाँ पर आप शाबु बना रहे हैं शैम्पू बना रहे हैं ठीक है और कॉस्मेटिक्स uh, के प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं ठीक है तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे रेंज में आ रहे हैं तो अब इसमें क्या होगा अब देखते हैं अ डिविजनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड जॉब टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन तो इसमें प्रोडक्ट लाइन होता है प्रोडक्ट लाइन मतलब हर एक अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट हमारे पास होता है कॉस्मेटिक में दस तरीके के प्रोडक्ट हो गए तो उसको एक प्रोडक्ट लाइन कॉस्मेटिक हमारा एक प्रोडक्ट लाइन हो गया ठीक है अब हमने क्या बोलते हैं शैम्पूस में एक पूरा प्रोडक्ट लाइन बना के रख दिया तो अलग अलग चीज़ों में प्रोडक्ट लाइन बना अब हमने पूरा एक, 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 एक गारमेंट्स का एक पूरा प्रोडक्ट लाइन बना दिया सारे गारमेंट्स उसमें आ गए तो ये होता है प्रोडक्ट लाइन डैट इज डिफरेंट प्रोडक्ट इज मैनुफेक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिवीज़न तो इसमें क्या होता है सेपरेट डिवीज़न होता है अब एक अब एक ही कंपनी में अगर एक जगह पे ईटेबल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ठीक है बिस्किट बन रहा है और एक जगह शैम्पू बन दोनों साथ में तो बनाएंगे नहीं तो दोनों का डिविज़न अलग अलग होता है तो यहाँ पे वर्क को प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं ताकि वो वर्क ज़्यादा अच्छे से हो सके तो यहाँ पे भी कंपनी तो बड़ी उसमें भी होती थी आयरन स्टील कंपनी बड़ी होती थी लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट की वैरायटी ज़्यादा होती है तो वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो एग्जांपल में आप वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट को फोकस करके आंसर लिखेंगे तो आपके आंसर सही जाएंगे इस डिपार्टमेंट हैज़ डिवीज़नल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इस डिवीज़न तो यहाँ पर क्या होता है अब यहाँ पर जो डिविज़नल मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए जैसे एग्जांपल अब अब स्टील में ये पॉसिबल नहीं अब iron है अब आयरन है आयरन से आयरन और अब वो अलग अलग प्रोसेस बन रहा है ठीक है फिर जाके स्टील बन रहा है तो अब उसमें कौन जानेगा किसका कितना प्रॉफिट हो रहा है लेकिन यहाँ पे प्रॉफ़िट को आप डिवाइड कर, कर सकते हैं जितने कॉस्मेटिक वाले उनका अलग प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिपा और जितने गारमेंट्स वाले उनका अलग प्रॉफिट आप देख सकते हैं जितने ई टेबल्स बना रहे उनका अलग प्रॉफिट आप कर सकते हैं तो इसमें जितने डिविजनल मैनेजर होते हैं उनको उनके प्रोडक्ट के हिसाब से उनको बांट दिया जाता है काम और फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या प्रॉफिट की स्थिति है नेक्स्ट आता है ईट डिवीजन इज़ मल्टी फंक्शनल बिकॉज विद इन ईच डिवीज़न फंक्शन लाइक प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस एक्सेट्रा आर परफॉर्म टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल अब देखिए प्रोडक्ट जो होता है वो तो अलग अलग बनता है लेकिन जो इनके जो मार्केटिंग uh, और फाइनेंस का जो फंक्शन होता है वो एक ही कंपनी कर रही है तो एडवर्टीजमेंट का, का काम हो गया प्लस लेबलिंग का काम हो गया ये सब एक ही कंपनी करती है तो इसमें जो प्रोडक्ट लाइन होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया प्लस आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया ये सब डिपार्टमेंट साथ में मिलके वर्क करते हैं ठीक है लेकिन ये मनटली मल्टी फंक्शनल होते हैं ये लिखिए है ज़रूर जैसे इसमें लिखा हुआ इस डिवीज़न इज मल्टी फंक्शनल बिकॉज विद इन ईच डिवीज़न फंक्शन लाइक प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस आर परफॉर्म टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल ठीक है नेक्स्ट आते हैं इस डिपार्टमेंट इज सेल्फ कंटेंड एंड फोस्टर डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर इन ऑल एस्पेक्ट्स इसमें क्या है कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं अपने आप में वो अपने डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं और हम कोशिश करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर का डेवलपमेंट हो क्योंकि जब उनका डेवलपमेंट होगा तभी हमारा वो डिपार्टमेंट अच्छे से ग्रो कर पाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो ये दो एग्ज़ाम्पल्स याद रखिएगा अगर आप बात करेंगे फंक्शनल का तो आपके लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत सही पड़ेगा एग्जाम्पल देने के लिए ठीक है और अगर आप जब बात करेंगे डिविजनल के लिए तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर पतंजलि का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्योंकि इनके पास डिवीज़न ऑफ बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस हैं ठीक है ठीके? तो उसको आप अगर इतना एग्ज़ाम्पल बना के लिखेंगे तो आपको नंबर्स अच्छे मिलेंगे ठीक है थैंक यू हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए